हेलो गाइस, कैसे हो? सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आपको पता होगा कैरोस कैरेक्टर गेम में आ चुका है एंड बहुत सारे वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूँ कैसे इसको यूज़ करना है, कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इसके ऊपर यूज़ करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बहुत सारे बंदे इसको यूज़ कर रहे हैं, जो लोग यूज़ नहीं कर रहे भाई उसी को यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेसिकली बहुत जल्दी जो वेस्ट है हेलमेट है वो फूट जा रहा है एंड बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पर आपका वेस्ट कभी भी नहीं फूटेगा गेम में, चाहे जितना भी डैमेज पड़े आपके वेस्ट पे, तो वो भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि जब भी उसको डैमेज पड़ता है तो वो हेल्थ पे ध्यान ज्यादा देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ कम होता है तभी वो ग्लोबल वगैरह मारता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो वेस्ट है हेलमेट है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कार्डियस कैरेक्टर क्या करता है कि आपके ऊपर उतना डैमेज भी अगर नहीं पड़ रहा है फिर भी यहाँ पर आपका जो वेस्ट है उस पर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड फूट जाता है कुछ ही गोली में, है ना। तो जैसे आपका आर्मर पर डैमेज पड़ेगा आपको जल्दी से ग्लोबल वगैरह लगा के आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है एंड आपके पास अगर रिपेयर किट वगैरह है तो उसको यूज करके आपको रिपेयर करना है जल्दी से, ठीक है। एंड कैरेक्टर्स भी यहाँ पर आपको हेल्प करेगा आपका जो आर्मर है वो जल्दी ना फूटे उसके लिए। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर एंड्रू कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर एंड्रू कितना प्रोटेक्ट करेगा आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके। यहाँ पर मेरे पास ईएमपी है, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर अलग अलग जो गन्स होता है तो उसका यहाँ पर अलग अलग डैमेज होता है, अलग अलग आर्मर पर इंटरेस्ट होता है, तो अलग अलग गन्स का यहाँ पर अलग अलग दिखेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ यहाँ पर कितना यहाँ पर एंड्रू काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल जो ईएमपी है उससे यहाँ पर 8 गोली में जो आपका वेस्ट है वो फूट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एंड्रू इसके अंदर भाई एलाइट एंड्रू भी अनलॉक है, ठीक है, वो मैं आपको कंफर्म कर दूं क्योंकि बहुत सारे बंदे फिर बोलेंगे भाई एलाइट एंड्रू साइज इसका अनलॉक नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर सेम यूपी से अगर मैं मारूंगा तो यहाँ पर 11 गोली में वेस्ट फूटा, मतलब यहाँ पर 3 गोली एक्स्ट्रा लगा हमारे जो वेस्ट है उसको फोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रू जो है आपको हेल्प करेगा, लेकिन उतना भी नेक्स्ट लेवल आपको हेल्प नहीं करेगा कि यहाँ पर आपका जो वेस्ट है वो परमानेंटली बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर है स्टेफी कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर आपका जो आर्मर है उसको रिपेयर करते पर सेकंड 10% करके, ठीक है, मतलब एक एक सेकंड में 10% यहाँ पर आपका जो आर्मर है उसको रिपेयर करते हैं। प्लस यहाँ पर आपके ऊपर जो डैमेज पड़ रहा है उसको कम करता है एंड जो एक्सप्लोसिव वेपन्स है जैसे ग्रेनेड वगैरह हो उसका जो डैमेज वो जीरो कर देता है, आपको पता ही होगा। लेकिन मैं इस टेपी कैरेक्टर क्यों यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पर वो रहता है, देखो उसका टाइम वगैरह सब कुछ सही है लेकिन एक ही जगह पर वो रहता है और शॉर्ट रेंज पर बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपको मतलब ऐसे खेलना पड़ता है कि उसी के सर्कल के अंदर आपको रहना पड़ेगा एंड बहुत से टाइम ऐसा होता है कि उस सर्कल से हम लोगों को निकलना पड़ता है फाइट करते टाइम एंड तब बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगा, अगर आप कभी भी स्टेप यूज किया हो तो आपको पता होगा इस चीज। लेकिन अगर आपको उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता इसको यूज करने के बाद तो आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत यूजफुल एक कैरेक्टर है एंड कायरोस के खिलाफ बहुत अच्छा काम दे। एंड लास्ट यहाँ पर है पोडिंग पेट, जो कि यहाँ पर भाई बहुत पहले आया था एंड उसके बाद कभी भी नहीं आया, तो एक रेयर पेट है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे के पास ये पेट है ही नहीं। तो यहाँ पर पोडिंग पेट क्या करता है कि यहाँ पर आपका जो आर्मर है मतलब वेस्ट हो या फिर हेलमेट हो उसको फोड़ने कभी भी नहीं देता, मतलब जब तक आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक आपका जो आर्मर है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चाहे जितना भी आपका जो आर्मर है उस पर डैमेज पड़ता रहे कुछ भी उस पर नहीं होगा, चाहे उसका जो हेल्थ है यहाँ पर जीरो हो जाए फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आर्मर जो है नहीं फूटेगा कभी भी, ठीक है। एंड ये क्या करता है कि एक एक करके पर सेकंड यहाँ पर आपका जो आर्मर है वो डैमेज है तो उसको रिपेयर भी करता है, मतलब यहाँ पर परफेक्ट ये पेट है कायरोस के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर बेसिकली यही है कि यहाँ पर मैक्सिमम होने के पास ये जो पेट है वो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो भाई परफेक्ट है कायरोस के खिलाफ, आप इसको यूज कर सकते हो एंड बहुत अच्छा ये काम देगा। तो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में तो आपसे पूछ सकते हो, तब तक ले गाइस, बाय बाय, टाटा।